कमज़ोर जो है इसकी चिनाई है। देखिए जेसबिन है जो पूरी दीवार जो है, तो जो ये पत्थर आप देख सकते हैं नीचे जो है, इस पर कहीं पे भी सीमेंट रेता जो है बजरी वगैरह का मसाला कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है और काफ़ी कच्ची जो है दीवार है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव राइड नंदो में। तो फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर बैलों को लेके, क्योंकि हम गए थे खेत में और एक ही खेत था जोतने के लिए, तो हम उसको जल्दी से जोत के घर वापस आ गए हैं। उसके बाद ही जो है 2 खेत है हमारे, वो टावर के नीचे हैं और हमारे घर में जो है, नहीं घर में नहीं, गांव में उसको कहते हैं कोटन पीसन का दिन जो है लगाना है, और इसमें जो है शादी के लिए जो लकड़ियाँ होती है उनको जो है इकट्ठा करना है, मतलब इसको फाड़ना है और लकड़ियाँ जो है बनानी है। मतलब 2 शादियाँ हैं और दोनों आगे पीछे हैं, 17 अप्रैल से लेकर और 22-23 तक है, तो उन दोनों का जो है आज ही यही कार्य है इनका। तो आज हम जाएंगे लकड़ी फाड़ने। फिलहाल अभी आपको दिखाते हैं मौसम कैसा है आज का। पहले तो आप हमारे बैलों पे नज़र मार लीजिए, ये है अभी बच्चे हैं, ज़्यादा बूढ़े भी नहीं हैं और एकदम जवान भी नहीं हैं। तो मौसम जो है काफ़ी सुहाना है आज का। चलो भैया, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, जवान ही बोला आपको यार, पीछे मुड़ के मार रहे हो हमको। तो ये मौसम देखिए काफ़ी अच्छा है आज का, चारों तरफ जो है धूप, चंद्रमा भी दिखाई दे रहे हैं बीच में, ये देखिएगा बहुत खतरनाक। चल भाई, इतना अच्छा रास्ता छोड़ के बैल जो है इस रास्ते से जा रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो देखिए वहाँ वो खुश हैं, लेकिन इस रास्ते पे जाने में जो है बैलों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि खड़ंजा मार गए और इस पर जो है पत्थर ऊपर की ओर होते हैं, बैलों के जो है पैरों पे जो है पत्थर चुभते हैं। इस वजह से जो है बैल हमारे नीचे के रास्ते गए, खेत के रास्ते, और हम बड़े आराम से इस रास्ते से चल रहे हैं। देखिएगा इस तरीके से जो है सारा जो है पैसा, ये कलमट है यहाँ पे बना हुआ है, इसके लिए पूरा जो है पैसा आया हुआ है आगे से, यह पैसा इसका जो है मिलेगा। और इसकी चिनाई जो है इतनी कमज़ोर जो है इसकी चिनाई है। देखिए जेसबिन है जो पूरी दीवार जो है, जेसबिन जैसे इस पे चली पूरी दीवार जो है गिर गई और जेसबिन बहुत नीचे है, और दूसरी जेसबिन जो है भी यहाँ पर रोड पर पहले गड्ढा खोद रही है, फिर इसको सीधा करेंगे, फिर इसको ऊपर निकालेंगे। तो इतना ज़्यादा देखिए, आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है लोगों की ज़िंदगी के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे। चक्कर वाली रोड है, और तो जो ये पत्थर आप देख सकते हैं नीचे जो है, इस पर कहीं पे भी सीमेंट रेता जो है बजरी वगैरह का मसाला कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है और काफ़ी कच्ची जो है दीवार है। और ऑपरेटर के साथ साथ एक सहायक भी था इसमें, ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत जो है मुश्किल से फिर उतर के उस दरवाजे से नीचे उतर के आए। फिलहाल ये स्वस्थ है और मस्त है। तो मेरी फ़ोन में जो है अभी बैटरी नहीं है गाइस, तो बाद में हम आपको बताते हैं इसके बारे में अच्छे से। फिलहाल अभी इतनी जानकारी बहुत है, चक्करगांव वाली ये रोड है, चक्करगांव वाली ये रोड, और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पीछे खड़ी है। अब ये मेरी एक्टिवा जैसे कैसे मैंने वहाँ से थोड़ा सा साफ करके निकाल दी थी। तो भाई ये वीडियो देख के आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्यों जो है इस तरीके के कार्य यहाँ पे किए जाते हैं और इन कार्य को करने का जो है महत्व क्या रह जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से जो है इस पर पूरा पैसा खर्चा नहीं किया जाता है, तो सबसे बड़ी बात वही है कि इसी तरीके से जो है ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। हर एक दिन यहाँ पर जब बारिश होती है तो कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है, और ये आज से ही नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से, और बहुत ही बार जो है मैंने आपके बीच में ऐसी वीडियो भी डाली है जिसमें बार बार जो है आपको दिखाते रहता हूँ कि किस तरीके की घटनाएं यहाँ पे होती रहती है। तो काफ़ी जो है शर्मिंदगी वाली ये बात है कि इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए है। आपके पास पूरा पैसा जो है आया हुआ है और आप जो काम करते हैं इस तरीके से, तो इसमें जो है नुकसान गाड़ी का हो या किसी इंसान का हो, तो उसके ज़िम्मेदार सब आप लोग ही होंगे। और ऐसा है कि कुछ गलतियां हमारी भी होती है कि हम चुपचाप से जो है इस जगह से चले जाते हैं जहाँ पे इस तरीके के जो है कार्य होते रहते हैं। अगर हमें चुप रहेंगे तो बाकी लोगों को कोई और मतलब नहीं बनता इस चीज़ से,
और बहुत ही ज़्यादा घटनाएं यहाँ पे देखने को मिलती है, खासकर से कि ये कन्यावली रोड पे है, तो इसमें किसी भी ड्राइवर की जान भी जा सकती है और गाड़ियों का नुकसान जो है वो हर दिन होता ही रहता है। तो बहुत ही लापरवाह जो है तरीके से ये कार्य किए जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।